हे सो गाइस, योर होस्ट अर्बन बात कर रहा हूं। आज अपन बात करेंगे लोधा डेवलपर्स आईपीओ के बारे में, जिसे माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड भी कहते हैं। यहां पर इसके ऊपर यूजुअली वीडियो बनाता हूं पहले स्टार्टिंग में, बट वो मैंने बनाई नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी यहाँ पास फर्स्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन डेटा आ चुका है, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, सब जानने की कोशिश करेंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन 0.58 टाइम्स आ चुके हैं फर्स्ट डे ही, उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशन 0.11 अच्छा है, रिटेल इंडिविजुअल 0.15 ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, जैसे मैंने कहा था पहले। एम्प्लॉय 0.04 ज़्यादा है नहीं इनके पास यहाँ पर, और शेयर्स ऑफर सबसे ज़्यादा रिटेल को किए गए हैं, उसके बाद क्यू आई बीज फॉलोड बाई एन आई एस। ओके, एम्प्लॉयज़ को तो बहुत ही कम किए हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं टोटल 0.26 टाइम्स हो चुका है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें तो 20-25 रुपीज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम है। इसका आईपीओ प्राइस 486 है, तो 486 पकड़ के चलो अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो अगर उसके ऊपर 20-25 ग्रे मार्केट देखिए और सब्सक्रिप्शन डेटा भी देखिए फर्स्ट डे का डिमांड और मार्केट के इसके हिसाब से देखें, तो आई वुड सजेस्ट कि इट इज़ नॉट दैट ग्रेट। फिर भी जिसे करना ही है, सेकेंड डे हम देखेंगे, कल इसके ऊपर जानेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे। फिलहाल तो मैं कहूँगा कि आई डोंट थिंक सो दैट विल परफॉर्म गुड, इसे ये शायद डिस्काउंट में लिस्ट हो सकता है, मार्केट भी ज़्यादा कुछ अच्छा खासा चल नहीं रहा है फिलहाल, तो ज़्यादा भी इसका अगर हम इसके फाइनेंशियल्स भी देखें तो फाइनेंशियल्स भी इसके ख़राब है, तो अगर हम स्टिल देखते हैं सेकेंड डे जब डेटा आएगा उसके बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे। अगर आपको अप्लाई करना है तो थोड़ा रुको, आई वुड सजेस्ट कि रुको ना, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहते हो बिल्कुल भी मत करो। मैं पर्सनली नहीं करने वाला, रेकमेंड भी नहीं करता, बट स्टिल अगर आपको करना ही है तो भी सेकेंड डे के डेटा तक रुको, सेटिस्फैक्ट्री एटलीस्ट कुछ तो आना चाहिए, कुछ तो डेटा चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर हम इसे सब्सक्राइब कर सके। सारे जो क्राइटेरियाज होते हैं एक सब्सक्रिप्शन के, कि फाइनेंशियल अच्छे हो, कंपनी का पोर्टफोलियो कंपनी अच्छी है ज़्यादा बुरी नहीं है, बट फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, सब्सक्रिप्शन डेटा खराब है, ग्रे मार्केट प्रीमियम खराब है, तो यहाँ पर इसलिए जो रेड मार्क्स है वो रेड फ्लैग्स है वो ज़्यादा है, इसे थोड़ा रुको सेकेंड डे एटलीस्ट रुको, अगर करना है तो मैं तो कहूँगा कि नहीं करो। ओके, आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आ चुकी होगी, इट्स अ होस्ट पसंद।